हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुझे समझेंगे वो एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 15th पार्ट को समझेंगे। 1 के 15th पार्ट को समझेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे वो समझते हैं, आइए सीखते हैं। तो मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो आइए साथ मिलकर समझेंगे सीखेंगे, पर फुली कंसंट्रेशन आपकी चाहिए। कंसंट्रेशन से बैठें, कंसंट्रेशन से समझेंगे सीखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे समझें। तो मेन चीज़ है आप क्वेश्चन को पहले समझ लें, मेन चीज़ पहले ये क्वेश्चन को आप समझ लें। गिविंग जो क्वेश्चन है किस फॉर्म में गिविन है, मेन चीज वो ये। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेट करना है, x पावर 3 प्लस 1 है, इस पे होल पावर 7 अपॉन 5 फ्रैक्शनल पावर, दो का प्लस है इसमें वेरिएबल में पावर 3 होती है, एंड इस मल्टीप्लाई पर x पावर 5 dx के साथ मल्टीप्लाई, x पावर 5 dx के साथ मल्टीप्लाई में इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लागू करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि दो टर्म प्लस वन है, दोनों में फ्रैक्शनल पावर है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा कोई हल नहीं है। तो जिस नंबर पे पावर है वही सपोज लेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। कैसे बाद में हो रहा है वो देखेंगे। लेट सपोज p = x पावर 3 प्लस 1 सपोज दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ रही चीज? ठीक है, सपोज दिया। सपोज लेने के बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, एक्स वेरिएबल को पी वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स से अपनी होगा, वाई वो भी समझेंगे कैसे होगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, डी बाय डीएक्स ऑफ पी इक्वल्स टू डी बाय डीएक्स वेरिएबल एक्स पावर 3 डी बाय डीएक्स, ये बात आ गई। ठीक है बेटा, तो हर टर्म की डेरिवेटिव आप dp by dx x पावर 3 में 3 आगे जाएगा, देन x पे पावर जो उसमें 1 माइनस करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के सबसे x की आगे माइनस प्लस 1 कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर की डेरिवेटिव 0। सही है बेटा, आप देखें ये dp डिवाइडेड बाय dx 3x पावर 2, 3 माइनस 1 इज 2, x की डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 प्लस 0 कोई मायने नहीं। सो 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ करेंगे इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एंड dx को मैंने शिफ्ट कर दिया उस साइड। सही है बेटा, यहां तक क्लियर है? अब देखिए थ्री कोफिशिएंट है, थ्री कोफिशिएंट को अगर साइड में शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो साइड पे आ गए डिवाइड में, तो x स्क्वायर इनटू dx, dx के साथ x स्क्वायर की वैल्यू मिली है। सही, मगर यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x dx के साथ x पावर 5 है, यहां पर x स्क्वायर मिला नहीं मिला 5, तो ये मैनेज करना है। कैसे मैनेज करेंगे वो भी समझते हैं, यहां तक क्लियर है बेटा? सही, तो आप क्या करेंगे वापस इक्वेशन 1 की तरफ मूव होते हैं, उसको टेक आउट करते हैं। कैसे उसको मैनेज करने जा रहे हैं, मैनेज करेंगे वो समझना है। सब देखिए, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 है x पावर 3 प्लस 1 होल पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 x पावर 5 इनटू dx, इक्वेशन 1 को ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है बेटा, अब देखिएगा मेन चीज अब है कैसे समझना है। सो देखिए कैसे इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, पहले x पावर 3 प्लस 1 पावर में 7 डिवाइडेड बाय 5 7, x पावर 5 को x पावर 3 इनटू x पावर 2 लिख सकते हैं, बेस 7 तो पावर प्लस करेंगे आपस में मल्टीप्लाई में इनटू dx। सही, ये चीज समझ में आई? ये क्यों ब्रेकअप किया, क्योंकि x स्क्वायर इनटू dx की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये रिप्लेस करेंगे, बाकी रह गया x पावर 3, ये कैसे फाइंड करेंगे, x पावर 3 यहां से फाइंड करेंगे हम, x पावर 3 इक्वल टू x पावर 3 के 1 जो प्लस हो रहा है साइड में शिफ्ट करेंगे 1 हो जाएगा माइनस का, तो
तो x पावर 3 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सपोज्ड वेरिएबल दैट इज p के फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। आई पास कर दीजिए, सही है तो रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या होगा, x पावर 3 प्लस 1 p इक्वल सपोज पावर 7, x पावर 3 की वैल्यू p माइनस 1, x स्क्वायर इनटू dx, x स्क्वायर dx dp अपॉन 3, तो ये आ गया dp डिवाइडेड बाय 3। सही है बेटा, क्लियर रिप्लेसमेंट की। अब dp अपॉन 3 मींस कांस्टेंट कोफिशिएंट बाहर आ गया, p पावर 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय p पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड ये dp रिमेंस। सही बेटा, याद है। सो अब देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई में दोनों बेस साइड में 1 साइड लेकर पावर आपस में प्लस करेंगे, 7 अपॉन 5 प्लस 1 ये p पावर 7 अपॉन 5 एंड dp 7। क्लियर यहां तक बेटा? अब पावर में फ्रैक्शन में टर्म्स है, पावर जो 7 अपॉन 5 1 के साथ प्लस हो रहा है, फ्रैक्शनल है, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ली जाएगी डिनोमिनेटर्स की, तो 5 एंड इसके अपॉन में कुछ भी नहीं 1 है, एलसीएम 5 होगी, 7 प्लस अपॉन में नंबर 5 एलसीएम वही 5 है, तो न्यूमरेटर रिमेंस सेम, ये 1 अपॉन में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 प्लस 1 5 इज 5 डिवाइडेड बाय 5, 7 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 5, तो उसका मतलब इसकी फ्रैक्शन का जो आंसर मिला वो p पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 p पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 7 dp। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? सही है, ये जस्ट सिंपलीफिकेशन है। अब दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, 1 अपॉन 3 दोनों के साथ कोफिशिएंट में है, p पावर 12 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेट करेंगे p पावर 7 अपॉन 5 विद रिस्पेक्ट टू dp के साथ। ठीक है बेटा, क्लियर है? सिंपली दोनों के साथ इंटीग्रल लिखा, 1 अपॉन 3 कोफिशिएंट दोनों का, ये चीज याद रखनी है, साइन भी है। अब सिंपली लिखने के बाद अब इंटीग्रेट करेंगे, परफॉर्म इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, 1 अपॉन 3 मींस पावर जो भी है उसमें 1 प्लस किया जाएगा, तो सेम एज इट पावर आ जाएगा डिवाइड में, माइनस 1 अपॉन 3 रिमेंस सेम, p पे पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 करेंगे, जो भी पावर है सेम एज इट आ जाएगा डिवाइड में, कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशंस। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई, इंटीग्रेशन परफॉर्म हुई, अब सिंपलीफाई करेंगे, फ्रैक्शनल में पावर है। So, आप देखें गौर से समझिएगा कैसे हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 3 p पे जो पावर है 12 अपॉन 5 में 1 प्लस करना है, अब देखिए 12 अपॉन 5 में 1 को प्लस करेंगे, फ्रैक्शन में है ऐसे मिल जाएगी, 5 एंड 1 डिनोमिनेटर 5, 12 अपॉन में 5 है एलसीएम भी 5 है, तो 12 रिमेंस सेम, ये 1 अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 आपको कब से शो किया है, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे जो एलसीएम हो, सो 12 प्लस 1 5 इज 5 डिवाइडेड बाय 5 17 डिवाइडेड बाय 5। आई बात समझ लीजिए, इनकी एलसीएम का आंसर मिला। ठीक है बेटा, तो यहां पर 17 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 17 अपॉन 5 से बाद ठीक, माइनस 1 अपॉन 3, अब यहां पर p पे जो पावर है वो 7 अपॉन 5 प्लस 1, 7 अपॉन 5 प्लस 1 ये आपके सामने पहले एलसीएम दी हुई है, कैंसिल इसका मिला 12 अपॉन 5। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन में 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c रिमेंस। ठीक है बच्चों, अब देखें तो क्या हो रहा है, अब p वेरिएबल से जो नंबर डिवाइड में है ये फ्रैक्शन में है 17 अपॉन 5, तो इसको मल्टीप्लाई चेक करेंगे, कंप्लीट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 17 एंड p की सपोज्ड वेरिएबल p को वापस रिप्लेस करेंगे, p सपोज्ड x पावर 3 प्लस 1 की, तो आप वापस आ गए वैल्यू 17 डिवाइडेड बाय 5, यहां पर भी सेम है
5 डिवाइडेड बाय ये 12 हो जाएगा, p को वापस रिप्लेस करेंगे वैल्यूज फॉर 3 प्लस 1 प्लस ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है बच्चों, सही है, डिवाइडेड करता हूं फ्रैक्शन में, उसको रेसिप्रोकल किया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, फ्रैक्शन रिमूव, एंड p सपोज्ड वेरिएबल था उसकी अपनी वैल्यू रिप्लेस कर दी जिसके इक्वल लिया था। सही है बेटा, अब देखें 1 5 5 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक, तो 3 7 21 2 3 1 3 3 3 में 2 प्लस करेंगे 5 5 1 51 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इनको के साथ बाकी ये इसको 3 प्लस 1 पावर में 17 डिवाइडेड बाय 5 7, ये भी 7 है, 1 5 5 3 12 36 कॉमन टेबल नहीं लग रहा तो इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखेंगे, एंड फाइनली ये है इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन जो आपके सामने हमने समझा। सही है बेटा, क्लियर है, हर चीज सिंपल है, प्रीवियस क्लासेस में इस टाइप के प्रॉब्लम समझते आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप गौर से पहले समझें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सही है बेटा, ठीक है, तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो वीडियो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप अलर्ट हो जाएंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, ये चीज मुझे समझनी है, ये प्रॉब्लम क्लियर करना है, तो स्लोली एंड स्लोली एक एक प्रॉब्लम करके समझते जाएं ताकि हर चीज क्लियर हो जाए इजीली एंड कंप्लीट कर सकें आप कोर्स। ठीक है बेटा, तो आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, एंड फिलहाल अल्लाह हाफिज़।